हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन ऐसे चार डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आप सबको फॉलो करनी चाहिए, सच दैट कि जितना आपका पहले स्कोर आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा गुना आपका स्कोर बढ़ जाए। एंड अगर आप लोग ये फॉलो करोगे तो आई स्वेयर आपके स्कोर ज़रूर बढ़ेंगे। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ डेफिनेटली द रिविजन। आप सबको एक प्रॉपर रिविजन करना अपने सारी सब्जेक्ट्स का। ऐसा नहीं कि आपको एक ब्रांच आती है तो आप उसका रिविजन नहीं करें। ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप बाकी ब्रांचेस का 3 या 4 बार रिविजन कर रहे हैं तो उसका सिर्फ 1 या 2 टाइम रिविजन करें। बट डेफिनेटली रिविजन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो रिविजन कैसे करना है। आप लोग ये कीजिए, जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं फॉर अ सब्जेक्ट, जैसे कि मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं वैसे बताती हूँ, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे करके एक लिस्ट बना लीजिए कि सेल बायोलॉजी ये जितने भी स्ट्रीम्स हैं। एंड देन एक एक दिन सबको दीजिए। एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो तो अपने नोट्स को हर दिन रिवाइज कीजिए सारे सब्जेक्ट्स में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपकी क्लैरिटी हो जाएगी और कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि जितने भी आपके नोट्स हैं, चाहे वो आपको स्टार्टिंग में नहीं आ रहे थे बट वो अब आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएंगे। एंड हैंस जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपका असर भी दिखेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है रिविजन के लिए, आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रीम्स नोट डाउन कर लेनी है इधर कॉपी में या फिर फोन में। एंड देन फिर उसके बाद आपने उन्हें पर डे देना है कि अब मैं एक दिन जो है बायोकेमिस्ट्री करूँगा, सेकंड में फिजियोलॉजी करूँगा। एंड सेम वे जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो भी ऐसे ही कर सकते हैं कि एक दिन आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी, एक दिन आपने ऑर्गेनिक करी, या फिर उसमें भी आप चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए कि इस दिन मैं इतने चैप्टर करूँगा, इस दिन मैं इतने चैप्टर करूँगा। तो अगर प्रॉपर बेसिस में अपना रिविजन करेंगे और लास्ट दिन तक, चाहे आपको 5 बारी रिविजन करने का मौका मिल जाए, 5 बारी रिविजन कीजिए, बट रिविजन ज़रूर कीजिए। गोइंग विद द नेक्स्ट स्टेप, डू प्रॉपर PYQ। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करने। अब नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि प्रीवियस ईयर तो मैम इसमें है ही नहीं, इसमें तो एक ही साल का एग्जाम हो रखा है। करेक्ट, इसमें सिर्फ एक साल का एग्जाम हो रखा है, बट इसके पहले भी दिल्ली एंड BHU टाइप की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने सेपरेट एग्जाम्स करवाती थी, राइट? तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग उन सबके जो एग्ज़ाम्स हो रखे हैं उनके PYQ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है तो अपने माइक्रोबायोलॉजी BHU से, JNU से, DU के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रखे हैं 5-10 साल के, वो सब डाउनलोड कर लीजिए। एंड देन उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बनाने वाली यूनिवर्सिटीज़ तो यही है ना CET का एग्जाम। तो आपने यही करना है कि आपने जितने भी प्रीवियस ईयर इन सब के भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें कर लीजिए। अब करना कैसे है PYQ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चों को लगता है कि सिर्फ एक बार ही प्रीवियस ईयर किया, जितना स्कोर आ रहा है देखा एंड देन चलते बने, बट नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। तो आप लोग क्या करोगे, आपने एक बार ही अपने सपोज प्रीवियस ईयर दिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 3 घंटा बैठ के करो, आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ आप 1-2 घंटा या फिर जितना आपसे क्वेश्चंस बनते हैं आउट ऑफ 100, सपोज आपने पहले दिन सिर्फ 50 किए तो नेक्स्ट डे 50 कीजिए, बट रेगुलर बेसिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। एंड उन 50 के फिर उसके बाद जैसे आपने आंसर्स लिखे कॉपी में या फिर कहीं पे किया, फिर आप उन्हें चेक कीजिए कि कौन कौन से सही हो रहे हैं, कौन कौन से मैंने छोड़ रखे हैं और कौन कौन से गलत हो रखे हैं। जो गलत हो रखे उन टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए, और जो आपको बिल्कुल भी नहीं आए, जिनका आपको अंदाज़ा ही नहीं था ये क्या चीज़ है, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड जब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी, जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी पढ़िए। तो आपने 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट इस रिविजन करना है जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी, सेकंड आपने प्रीवियस ईयर करना है रेगुलर, ठीक है, चाहे 50 क्वेश्चंस ही करो, धीरे धीरे करके आपकी हैबिट बन जाएगी ना, आप पूरा पेपर ईजिली सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो देन आपने प्रीवियस ईयर करना है। एंड उसमें भी आपने क्या करना है कि प्रीवियस ईयर को सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, आपने उन्हें नोट डाउन करने के कौन से टॉपिक्स आपको आ रहे हैं, कौन से आपको नहीं आ रहे, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं और किस तरीके से गलत हो रहे हैं, कौन किस तरीके से आप तुक्का मार रहे हो तो गलत हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कैसे कौन से टॉपिक्स हैं जो गलत हो रहे हैं, कौन से आपको नहीं आ रहे हैं और कौन से आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो आप इन्हें अपने प्लस पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए एंड देन अकॉर्डिंगली उस हिसाब से अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लाइए। एंड थर्ड थिंग क्या करनी है कि जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं या फिर जो टॉपिक्स आपके गलत होते हैं, तो या तो उन्हें दोबारा से रिवाइज कीजिए जो गलत हो चुके हैं, वरना आप दोबारा से उनके नोट्स बनाइए, एक नए सोर्स से पढ़िए। मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस पुराने सोर्स आपने पढ़ा हो उसमें इतना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो, तो यूट्यूब में इतनी वीडियोज़ है, एक वीडियो चेक कर लीजिए, मे भी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो न्यू कॉन्सेप्ट हैं उन्हें भी पढ़िए। नेक्स्ट कम आवर फोर्थ टिप, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, एंड ये मैंने अपने एग्जाम्स में खुद से कर रखी है। तो आपने क्या करना है, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले जब आपको लगता है कि आपका प्रॉपर रिविजन हो चुका है, अगर आपको लग रहा है कि 1 हफ्ते में नहीं हो रखा है या फिर 1 हफ्ता ही बचा है, तो आप 5 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले क्या कीजिए, एक A4 शीट पकड़िए, उसमें जो जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, जैसे कि सपोज आपने बायोकेमिस्ट्री या फिर जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैथ्स के कोई टॉपिक्स हैं, तो उन्हें 1 बाय 1 करके लिखिए, जो जो भी मेन मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल है, सेल साइकिल का रेगुलेशन है, तो ऐसे करके साइक्लिन सी है, CDK है, ऐसे करके उनके नेम्स लिख दीजिए A4 शीट में। एंड सेम वेज अगर आप लोग फिजिक्स वाले बच्चे तो आप लोग ये कीजिए, फॉर्मूला शीट बना लीजिए, एक आप उसमें टॉपिक्स लिख लीजिए एक शीट में, और फिर इन शीट से ही रिविजन कीजिए।
फिर उसके बाद आप कॉपी मत खोलिए, आपके की जो शीट को पकड़िए, जैसे कि आपने सेल साइकिल देखा, तो फिर आप उसे रिवाइज कीजिए कि इसमें क्या क्या था, इसमें आपने क्या क्या पढ़ रखा है। फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, फिर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो फिर आप अपनी कॉपी खोलिए एंड देन फिर उससे पढ़ लीजिए दोबारा से। इस तरीके से क्या होगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितना और पढ़ना है, और या फिर आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। इसकी वजह से आपकी जो प्रिपेरेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। सो दीज आर द फोर डूज विच यू ऑल शुड डू। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चार चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए एंड इग्नोर करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपेरेशन टाइम। ओके, फर्स्ट इज डोंट इग्नोर योर मिस्टेक्स। ठीक है, डोंट इग्नोर योर मिस्टेक्स से क्या मतलब है कि अगर आप कहीं पर आपको पता है कि आप गलती कर रहे हो तो उसे ऐसे नेगलेक्ट मत करो, उसे करेक्ट करने की कोशिश करो। चाहे आप प्रीवियस ईयर के टाइम पे करो, चाहे आप रिविजन करते टाइम आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं अच्छे से रिविजन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं इग्नोर कर दिया, नहीं आपने उस चीज़ को सही करना है। इनफैक्ट बहुत ही कम टाइम बचा है सीईटी का, तो इसलिए आपने क्या करना है, अपनी गलतियों को ऐसे इग्नोर नहीं करना है। डोंट इग्नोर योर मिस्टेक्स, ट्राई टू रेक्टिफाई देम, ट्राई टू इम्प्रूव देम। अगर आपको पता है कि आपका क्वेश्चन रीडिंग का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ये कोशिश करो कि सोचने में कम टाइम लगाओ उसके आंसर का। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, आपका रीजनिंग पार्ट वीक है, तो फिर आप उस सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान दो कि यार मैंने इसे अच्छे से प्रॉपरली करना है। ये नहीं कि यार मेरी गलती होती है, छोड़ो यार ऐसा मेरे साथ नॉर्मल है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल अपनी गलतियों को मिस्टेक नहीं करना है, उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करनी है। सेकेंडली, जो आपका वो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश से, उन्हें भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि अपने मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के चक्कर में आपने उस पोर्शन को इग्नोर कर दिया, बिकॉज वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग पार्ट है। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि बाकी बच्चों से आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएँ, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बट वो चीज़ें ऐसा हो सकता है कि बच्चे इग्नोर कर दें। ठीक है, तो वो आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी है। सो देर आर टू थिंग्स, फर्स्ट कि अपनी गलतियों को ऐसे इग्नोर मत करो, उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करो, एंड सेकेंडली जो आपकी रीजनिंग पोर्शन है, जो लॉजिकल रीजनिंग आने वाली है सीयूईटी में, उसे भी आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। थर्ड थिंग कि डोंट पैनिक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा है, यार मैं तो अभी अभी आई हूँ, बहुत बच्चे मुझसे बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार हैं, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा करके आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर आप लोग ये सोचोगे ना कि यार मुझसे तो ये बच्चा इतना ज़्यादा अच्छा कर ले रहा है, तो आप खुद अपने आप को डिमोटिवेट कर दोगे और आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो आपने सिर्फ इस चीज़ में फोकस करना है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बाकी सारी चीज़ें भाग दी जाएगी, वो तो बाद में होगा ही। अगर फेल होना होगा फेल होगी, पास होना होगा पास होना होगा, ठीक है, दैट डजंट मैटर। अभी क्या है कि आप अपना 100% देके आओ, बिल्कुल 100% देके आओ, एंड अगर आप लोग अपना 100% देके आओगे ना, आपको भी सेटिस्फाइड फील होगा एंड मे बी आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। एंड फोर्थ थिंग कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी पीना है ताकि आपका ब्रेन हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 70% ऑफ वाटर से बना है, तो डेफिनेटली आपको अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा पानी देना है, अपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका दिमाग अच्छे से चले ड्यूरिंग द एग्जाम। आपने अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जस्ट बिकॉज आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है आपने बिल्कुल अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर लिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ जाओ, या फिर आपका ब्रेन काम नहीं करे, आप पैनिक करते रह जाओ। तो इसी वजह से अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान दो, अपनी स्लीप साइकिल अच्छे से रखो, खाना अच्छे से खाओ, एंड डेफिनेटली पानी तो अच्छे से पियो ही पियो। विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट इज डोंट गो विद द डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, देर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो यूट्यूब में भी वही चीज़ें देखो जो कि आपको एग्जाम की तरफ को मोटिवेट कर रही हैं, एंड साथ ही साथ अपना ये स्केड्यूल बनाओ कि हाँ यार मैंने एक दिन में इस टॉपिक को करना है, इसका रिविजन करना है, इतने PYQ करनी है, ये मेरी गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, पर डे इतना तो करो ही करो। ओके, सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी और चीज़ में भी वीडियो बनानी चाहिए, सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन। थैंक यू।